T2 निकला। यस सर। कितना है बेटा? टी रूट ऑफ वन अपॉन एन प्लस वन। कितना? टी रूट ऑफ यस वन अपॉन सर, एन रूट प्लस ऑफ वन। एन प्लस। देखिए तो T2 इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई K2। सही है बेटा फॉर्मूला? यस T2 इक्वल टू 2 पाई K2 का फॉर्मूला कितना है बेटा? एन प्लस वन। क्या सही है बेटा? यस सर। यस सर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। और इसी को तो आपने टी बोला था। क्या मैं रब करूं? यस यस सर। सब रब कर दूं इधर का? यस सर। अब देखिए इसका टाइम प्लेट कितना आया? इसका टाइम प्लेट कितना आया सर? टी टी इंटू एन अपॉन एन प्लस वन। सही है ना? इसका टाइम पीरियड कितना आया? टी रूट। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो चाहो तो। क्लियर? यस। इसमें इसमें टाइम पीरियड अगर कंपेयर करने के लिए पूछे तो टी वन बाई टी टू कितना हो जाएगा? क्या सही लिखा हूं बेटा? यस सर। यस सर। कितना बच गया? रूट एन। रूट एन। वन रूट एन। टी वन इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ टी टू। सॉरी गलत है कि सही है? रूट रूट एन टाइम्स ऑफ। क्या यह कंसेप्ट सभी बच्चे को क्लियर हुआ? यस सर। इस टोटल कंसेप्ट में टोटल एक्सप्लेनेशन में एक ही चीज ध्यान में रखना है कि एवरी कटिंग पार्ट का क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम लेंथ आपस में इक्वल होगा। क्या मैं रब करूं? यस सर। सब रब कर दूं? हाँ सर। एक क्वेश्चन बताइए तो, कटेड इंटू थ्री पार्ट्स फाइंड इट्स टाइम पीरियड्स और मास सेम सबको लोडेड है। तीन पार्ट में कट किया गया। कोशिश करेंगे या मैं बताऊं? ट्राई करते हैं। ट्राई करिए। तीन पार्ट है का मतलब क्या हुआ? K1 L1 इक्वल टू K2 L2 इक्वल टू K3 L3 इक्वल टू K इंटू L। नहीं समझे? समझे समझे सर। और L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3
क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो बताइए तो K1 क्या होगा, K2 क्या होगा, KL upon L, K3 क्या होगा, L सिंपल हो तो गया फॉर्मूला। तीनों का टाइम पीरियड अगर पूछे तो क्या होगा, T1 का फॉर्मूला क्या होगा, 2π√M/K1 होगा। यस सर। क्या आ जाएगा बेटा? यस सर। M/K1 की जगह पर सही है? हाँ क्या हम लिख सकते हैं? यस सर। तो देखो तो यही टाइम पीरियड पहले का होगा, सबसे स्टार्टिंग वाला का होगा। सिमिलरली T2 T3 निकालो। जल्दी निकालो। T2 आता है T(√L)2/L सही है। T3 क्या आएगा? 7 निकालो। T(√L)3/L मतलब एक और कॉन्सेप्ट आ गया क्या? TL दोनों कांस्टेंट है या नहीं है? हाँ। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L1। हाँ या ना? Yes. तो T1 पहले का टाइम पीरियड, T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 सेकंड का, L1 L2 थर्ड का, L3 अब ऐसे ही बढ़ते जाएगा। देखिए यार कंसेप्ट सब यहीं से डेवलप होता है, अगर आप डिराइव करोगे ना वहीं से कंसेप्ट होता है, अलग नहीं होता कुछ भी, बस एक बार समझने की जरूरत है। क्या मैं उम्मीद करूं कि कटिंग ऑफ स्प्रिंग हमारे क्लास के सभी बच्चे को 10% समझ में आ गया है? सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? यस सर। पक्का? यस सर। क्वेश्चन आएगा तो बनेगा या नहीं? बनेगा। बन जाएगा सर। एक क्वेश्चन दूं, एम करीम का क्वेश्चन है, लिखे तो जल्दी लिख दीजिए। तुम लिख लिए सब? यस सर। यस सर। जल्दी करिए, लिखे तुम। अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल एल comma force constant K has time period capital T. It is cut in two equal parts. हो गया? Yes, sir. Calculate time period of each part
If same mass is suspended from each part, if same mass is suspended from each part, also calculate the spring constant of each part. Also calculate the spring constant of each part. हाँ क्या बोल रहे हैं बेटा? So same mass is suspended. If same mass is suspended from each part, also calculate the spring constant of each part. बना? Yes. अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। दो सेकेंड का आंसर है। इतना पढ़ने के बाद इतना टाइम लगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। क्या वांसी? देखिए कितना पार्ट में बोल रहा हूं, टू पार्ट, टू इक्वल पार्ट, एल है और दूसरा है एल वन एंड एल टू, यही है ना? एल वन इक्वल टू यस सर, एल टू यही है बेटा? हाँ है ना? हाँ सर, इक्वल टू एल बाय टू, सही है? यस सर। अब बताइए टू इक्वल पार्ट्स, तो यह L1 जो है कितना इसका है, कितना टाइम्स है? टू टाइम्स, हाँ या ना? कर L1 इक्वल टू टू L, हाँ या ना? L2 इक्वल टू टू L, हाँ या ना? नहीं गलत है। हाँ सर, गलत है सर, गलत गलत लिखा। यह सही है ना सर? L2 L is equal to 2 L1। अरे यार सही है ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। K1 L1 equal to K2 L2 equal to K L, यार सही है ना? यस सर। यस सर। तो K L by 2 equal to K1 L1 by 2 equal to K2 L by 2 equal to K L, सही है ना? हाँ सर। तो K1 by 2 equal to K2 by 2 equal to K, सही है ना? हाँ सर। K1 equal to 2K और K2 equal to 2K, सही है ना? Yes। Yes sir। Original time period T equal to 2 pi root m by K, सही है ना? Yes। हाँ सर। T1 equal to 2 pi root m by K1, सही है ना? Yes sir। Yes sir। कितना आ जाएगा? 2 pi root m by 2k, सही है ना? Yes sir। इसको बोलेंगे 2 pi root m by k divided by root 2, सही है ना? Yes sir। और इसी को तो आपने t बोला है ना? अरे समझ में आया? Yes, yes, जो टाइम पीरियड T1 का होगा वही T2 का होगा, क्यों? क्योंकि K1 और K2 आपस में क्या है? सेम। नहीं समझे यार। समझे समझे सर। अरे एक और कंसेप्ट बताए थे, याद होगा? फाइनली T1 by T2 equal to 1 by root n, कुछ ऐसा आया था क्या? या root n कुछ आया था? root n रूट एन, एन मतलब कितने टाइम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है? वन बाय टू, टू इक्वल पार्ट। यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, कितना आ गया?
एन सही है ना ये? यस सर। एन मतलब नंबर ऑफ पार्ट, कितने पार्ट में? दो पार्ट में। दो पार्ट में रूट टू, रूट टू होगा ना? हम्म। तो टी वन इक्वल टू रूट टू टी टू, ऐसा कैसे टी वन इक्वल टू टी टू आ रहा है ना आंसर? हाँ इक्वल आ रहा है। कहाँ मिस्टेक हो रहा है बताओ? T1 by 2, n क्या है? n क्या नंबर ऑफ कट है, तो टू पार्ट में कट किया गया, टू इक्वल पार्ट में कट किया गया, n टर्न्स, n टाइम्स है, n टाइम्स है मतलब L1 L2 के कितने टाइम्स है? इक्वल है ना बेटा, L1 इक्वल टू L2 है, हाँ या ना? Yes. Yes. तो n का वैल्यू कितना होगा, वन होगा या टू होगा? इक्वल है ना भाई, L1 इक्वल टू L2 है, नहीं समझे? समझे सर। T1 by T2 इक्वल टू कितना है, रूट एन है, यही है ना फॉर्मूला? यस। हाँ या ना? यस सर। यस सर। कितना आ जाएगा बता दीजिए जल्दी। रूट वन। T2। मीनिंग T1 इक्वल टू T2। चलिए आज की सेवा समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। भारद्वाज बेटा अभी लेक्चर अपना दूसरा चल रहा है, अभी जस्ट स्टार्ट होगा, टेंशन ना लो। चलो बढ़े आगे। चलो आज की सेवा समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय, मेरे लेक्चर का टाइम हो गया, ठीक है? यस बाय सर। बाय सर। आयुष बेटा फिर से आ जाओ, आयुष बेटा फिर से आ जाओ, यह लेक्चर 12 का चल रहा था, अभी फिर से आप लोग रिज्वाइन होइए, 11th वाले बच्चे फिर से रिज्वाइन होइए।